नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Samsung Galaxy A13 4G versus Realme 8 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Galaxy A13 4G में 6.5 इंच जबकि 8 5G में 6.4 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि Galaxy A13 4G से कम है। विड्थ की बात करें तो Galaxy A13 4G में 3.01 इंच जबकि 8 5G में 2.94 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि Galaxy A13 4G से कम है। बात करें थिकनेस की तो Galaxy A13 4G में 0.35 इंच जबकि 8 5G में 0.33 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो Galaxy A13 4G में 195 ग्राम जबकि 8 5G में 185 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Galaxy A13 4G में TFT LCD जबकि 8 5G में IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Galaxy A13 4G में 6.6 इंचेस जबकि 8 5G में 6.5 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Galaxy A13 4G में 1080x2408 और 8 5G में 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Galaxy A13 4G में 83.38% जबकि 8 5G में 83.92% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Galaxy A13 4G में 400 पिक्सेल प्रति इंच जबकि 8 5G में 405 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Galaxy A13 4G में 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और 8 5G की बात करें तो इसमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Galaxy A13 4G में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और 8 5G की बात करें तो उसमें 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Galaxy A13 4G में Mali G52 MP1 जबकि 8 5G में Mali G57 MC2 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Galaxy A13 4G में Samsung Exynos 8 Octa 850 और 8 5G में MediaTek Dimensity 700MT6833 मिलता है। बात करें RAM की तो Galaxy A13 4G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB 6GB की RAM मिलती है जबकि 8 5G में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB 4GB 8GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Galaxy A13 4G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB 128GB की स्टोरेज मिलती है जबकि 8 5G में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64GB 128GB 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो Galaxy A13 4G में Android V12 जबकि 8 5G में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो Galaxy A13 4G में 4 कलर्स जबकि 8 5G में 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं।
सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो गैलेक्सी A13 4G में दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 4GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 15,999 रुपीस, 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 17,499 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें 85G की तो उसमें तीन वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ 15,499 रुपीस, 4GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 15,499 रुपीस, 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 16,600 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो सैमसंग गैलेक्सी A13 4G में 7 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें रियलमी 8 5G की तो उसमें 3 फायदे और 2 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में 8 5G आगे है, मेन कैमरा में गैलेक्सी A13 4G आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में 8 5G आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें सैमसंग गैलेक्सी A32 4G है, दूसरा सैमसंग गैलेक्सी M42 5G है, तीसरा वीवो Y75 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें वीवो V21e 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना।